नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे और सेफ हो। सो दोस्तों, गए टाइम हमने इंग्लिश विलो वर्सेस कश्मीर विलो वुड के बारे में बताया था, तो काफ़ी लोगों ने जो है शेयर कमेंट करके बताया कि पॉपुलर विलो विज कश्मीर विलो बताओ। तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग भी जो है अपने एंड से कुछ ना कुछ सपोर्ट दे रहे हो और नए नए चीज़ मुझे करने लगा रहे हो। एक दूसरे के तरफ से सपोर्ट हो रहा है, नया नया चीज़ हमें सीखने को मिल रहा है, मुझे भी आपको भी। सो ये है पॉपुलर विलो बैट और ये है कश्मीर विलो बैट। इसका डिफरेंस मैं पूरा बताऊंगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। लेकिन एक खास चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपको पता है कश्मीर विलो ट्री कैसा दिखता है, देखिए इस तरीके से जो है कश्मीर विलो ट्री दिखता है, और पॉपुलर विलो जो ट्री होता है वो इस तरीके में दिखता है। और दोनों की हालत, दोनों जो ट्री है ये कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है, कश्मीर में पाए जाते हैं। और फिलहाल ज़्यादा जो डिमांड होता है वो कश्मीर विलो वुड का होता है। तो इसलिए क्या होता है, कश्मीर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कट रहे कश्मीर विलो के, और उसके रिप्लेसमेंट में कोई ट्री उतना लगा नहीं रहे। तो हालांकि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कश्मीर विलो ट्री जो है बहुत कम पड़ जाए और ज़्यादातर नहीं भी मिल सकता है आगे के जनरेशन में। और ये जो वुड वाला ट्री है पॉपुलर विलो, ये हमें मिल सकता है। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कश्मीर विलो और जो पॉपुलर विलो पहचाने कैसे। आप दोनों बैट देखिए, पहली बात एकदम क्लोज से ध्यान से देखिए आप। कश्मीर विलो जो वुड होता है उसके ऊपर ग्रेन्स रहते हैं, कभी कभी विजिबल नहीं होता, ब्लर ग्रेन्स होते हैं, बट कलर डिफरेंस भी देखो आप। इस पे पहली बात ग्रेन्स नहीं रहेगा ज़्यादातर, ग्रेन्स रहते ही नहीं ये बैट पे, ठीक है। ये बैट पॉपुलर विलो पे ग्रेन्स नहीं होते, कश्मीर विलो पे ग्रेन्स होते। और क्या होता है मैं एक चीज़ बताऊँगा, पॉपुलर विलो में अच्छा जो है सॉफ्ट टेनिस बन सकता है, क्योंकि क्या होता है एक तो वेट वाले बैट नहीं चलते सॉफ्ट टेनिस में, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जो पॉपुलर विलो बैट होता है वो ज़्यादा मोटा नहीं कर सकते, पतला में अच्छा बनता है, वो बेस्ट होता है सॉफ्ट टेनिस के लिए। अगर उसको ज़्यादा मोटा में बनाने जाएंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा वो बैट, उतना टिकाऊ नहीं होगा। तो सॉफ्ट टेनिस के लिए बेस्ट होता है कि इसको पतला बनाए, ज़्यादा मोटा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और मज़ा भी नहीं आएगा। और ये ज़्यादा जो लकड़ा है हार्ड टेनिस के लिए सपोर्टिव नहीं है। हालांकि आजकल मार्केट में कोई कोई हार्ड टेनिस का कश्मीर विलो बोल के जो है ये पॉपुलर विलो भी दे देते हैं, ऐसा भी होता है कभी कभी। सो उसमें क्या होता है, हम लोग को पहचान होना चाहिए। आप देखिए एक बार पास में, इसमें कोई ग्रेन्स नहीं रहेगा, और ये जो रहता है इसका लकड़ा थोड़ा सा हालांकि अलग होता है, इसका आवाज़ भी सुनिए, उतना भरा हुआ आवाज़ नहीं रहेगा, खोखला टाइप का थोड़ा सा रहता है। और ये कश्मीर विलो लकड़ा, भरा हुआ आवाज़ रहेगा, और इस पर जो है ग्रेन्स होते हैं, साथ में ये जो बैट होता है मोटा बैट बनाया जा सकता है, कश्मीर विलो में मोटा बैट बनाया जा सकता है, हालांकि पॉपुलर विलो में नहीं बनाया जा सकता है। आप देखिए पॉपुलर विलो में जो है बैट मोटा बना के कोई मतलब नहीं है, मज़ा नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा वजन भी हो जाएगा और क्वालिटी वो नहीं मिल पाएगा। दोनों ही लकड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पॉपुलर विलो कोई काम का नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पे सही है। सॉफ्ट टेनिस के लिए मैं बोलूँगा कि एक अच्छे बजट में जो बैट बन सकता है तो वो पॉपुलर विलो का ही बैट अच्छा है, अगर देखने गया तो, मतलब बजट वाइज सही रहेगा। और उससे विक्की विल्सन कॉस्को खन्ना सिक्सर जो 90 ग्राम के अंदर का बॉल है उसके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। उसका वो डिपेंड करता है वेट कैसा चाहिए, 900 ग्राम का होना चाहिए, वो ठीक है, वो सेकेंडरी पार्ट है, बट ये सब बॉल के लिए पॉपुलर विलो बैट चल जाता है, बजट वाइज अच्छा रहता है। दूसरा चीज, कश्मीर विलो का जो ये बैट है, हालांकि ये प्लेयर एडिशन बैट है, बहुत मोटा बैट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा बैट है ये। तो ये जो है रेडी बैट आप देख रहे हो, ये क्या होता है कि मोटा बैट बनाते इसमें जो एक वेट आता है एक लिमिटेड कंट्रोल में बन जाता है, कश्मीर विलो का जो लकड़ा रहता है। और बेस्ट होता है गुरु बॉल के लिए, टेनेक्स बॉल के लिए, नेविया बॉल के लिए, और भी काफ़ी डे नाइट का भी बॉल आता है जो 120-125 ग्राम 130 ग्राम का जो बॉल होता है सबसे हैवी, उसके लिए है बेस्ट होता है कश्मीर विलो जो लकड़ा होता है, ठीक है, बेस्ट होता है। और वो डिपेंड करता है जो एरिया में जैसा बॉल चलता है उस हिसाब से वेट का जो है बैट लेना है, ज़्यादा हल्का नहीं लेना होता है कश्मीर विलो में, तो पावर जो
ओपनर लोग उतरते हैं तब आपने देखा रहेगा कि बॉल जो है ज़्यादा मीटर में ट्रैवल नहीं करता, क्यों, ज़्यादा बैट हल्का होने से हार्ड टेनिस बैट जो है गुरु निविया ये सब के बॉल ट्रैवल नहीं होते। सो एक बार फिर से ध्यान दीजिए आप कश्मीर विलो वुड पे, आप ध्यान दीजिए। ये कश्मीर विलो वुड है और ये पॉपुलर विलो वुड है, वाइट टाइप का होता है पूरा, पॉपुलर विलो वुड जो रहता है वाइट टाइप का रहता है, अगर उस पर वर्निश भी करते तब भी वो कलर वैसा नहीं आ पाएगा और ज़्यादा मोटा नहीं होता है, तो वो सॉफ्ट टेनिस के लिए बेस्ट रहेगा। साथ में सपोर्ट भी करते रहिए ताकि आगे भी और अपडेट आएंगे थोड़े टाइम में, जो है अभी सीज़न चालू हो जाएगा तो आप लोग का बुकिंग भी कराना है जैसे कि 25 को बोला है, और एज प्रॉमिस सारे प्लेयर लोग को जो है बुकिंग बराबर से लिया जाएगा, सही बैट परफेक्ट तरीके में मिलेगा आप लोग को, थोड़ा वेट कीजिए ठीक है, और मिलेंगे एक नए वीडियो के, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को अलविदा, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।